सीसी के सेगमेंट में ना भाई, इससे बेस्ट कोई बेस्ट नहीं है भाई। जो ये भक्ति है ना यार, कसम से अभी मैंने इसको, मतलब कंपनी ने तो वैसे अभी मना किया है ज़्यादा इसको उठाना नहीं है, बट फिर भी मैंने अभी ये देखा कि फर्स्ट गियर में भाई 37-40 के आसपास जा रही है। गाइस स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में आप लोगों का, एक नए दिन के साथ। और आज दिन देख लो भाई, काफ़ी सुहाना है, अच्छा मौसम हो रहा है भाई। हमने सोचा भाई अपनी बीस्ट का रिव्यू कर लेते हैं, जो अपनी फिलहाल में नई आई है, अभी कल परसों ही आई है, देख सकते हो भाई। टेम्प्रेरी नंबर पे चल रही है, पूजा हो चुकी है इसकी, और अभी लेकर के आया हूँ भाई एक छोटा सा आप लोगों को वॉक अराउंड रिव्यू देने के लिए। वैसे तो भाई यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस हैं जिन पे आप लोगों ने रिव्यू वगैरह इसका देख लिया होगा, बट आज थोड़ा बहुत कुछ डिफरेंस आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे इसके बारे में। तो अभी फिलहाल देख सकते हो भाई, सबसे पहले तो भाई बात करेंगे इसके कलर की। जो कलर थीम इस बार दिया है भाई, ब्लैक, रेड और ये थोड़ा सा ग्रे, अच्छा लग रहा है भाई, काफ़ी देखने में यूनिक लग रहा है। आप लोग कमेंट करके बताना भाई कैसा कलर आप लोगों को पसंद है, वाइट वाला या फिर ब्लैक वाला। तो अभी सबसे पहले तो भाई शुरू करते हैं इसके हेडलैम्प से, देख सकते हो भाई जो ये DRL मिल जाती है शार्प वाली, अभी आप लोगों को जला के भी दिखाता हूँ एक बारी, शार्प DRL। और इसकी अगर भाई देखूँ ये चीज़, तो भाई ये 3D में है, मतलब उभरी हुई है, ये अलग से पार्ट है ये इसका। फिर उसके बाद अपने को यहाँ पर प्रोजेक्टर इस बार मिल गया है भाई, कंपनी ने भाई ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं किए, बट जो DRL दिया ना उसने पूरा लुक ही चेंज कर दिया बाइक का भाई। पहले वाला मॉडल आप लोगों ने देखा ही होगा सबने, थोड़ा सा कमी लगती थी बस DRL की, तो वो कंपनी ने भाई पूरी कर दी DRL दे के। अब आ जाते हैं भाई बड़े बड़े डिस्क के ऊपर इसके, देख सकते हो भाई 300 mm का डिस्क है विथ ABS, डुअल चैनल ABS है भाई, डिक्का भी हुआ है। टायर की बात करेंगे तो भाई 110 mm का टायर है ये फ्रंट में, बैक में अपने को मिल जाता है भाई 130 mm का टायर, और यहाँ भी डिस्क मिल जाती हैगी। डिस्क इसमें भाई क्रीमिका कंपनी के दिए हुए हैं, दिखा देता हूँ एक बारी, क्रीमिका कंपनी के डिस्क हैं भाई, इस बार बाइब्रे ने यूज़ नहीं किया इसमें अपना डिस्क। और भाई इंजन देख सकते हो, बड़ा सा भाई 200 cc का लिक्विड कूल, ये इसका कूलेंट है भाई, फ्यूल इंजेक्शन DOHC इंजन, और इसका साउंड भाई बड़ा ज़बरदस्त आता है। मुझे साउंड भाई 125 से ज़्यादा 200 का गजब लगता है भाई, क्योंकि ये जो एक अलग रेव करती है भाई। अभी आ जाते हैं भाई पीछे की तरफ, तो ये चेंजेस देख सकते हो भाई, पहले वाली NS में ये प्लास्टिक का अपने को मॉडल नहीं मिलता था, जो भी कुछ मॉड्यूल सेटअप इसमें दे रखा है, अभी इसमें भाई LED मिलते हैं। इंडिकेटर की आप लोगों को बता दूँ भाई, तो इंडिकेटर इस बाइक के हिसाब से भाई छोटे लग रहे हैं, कंपनी को अगर LED देने थे ना तो पुराने वाले जो इंडिकेटर थे उसी में ही LED सेटअप फिक्स कर देना चाहिए था, तो और ज़्यादा बेस्ट लगती। अभी हेड के हिसाब से भाई काफ़ी छोटे लग रहे हैं इसके इंडिकेटर, तो थोड़ा सा ये भी खल रहा है। अभी आ जाते हैं भाई टैंक के ऊपर, टैंक में कोई चेंजेस नहीं है भाई, सेम वही 12 लीटर का टैंक है अपना। मीटर की बात कर लेते हैं गाइस, मीटर आप लोग यार बताना मुझे कमेंट करके, मुझे भाई अपना पर्सनली जो राय भाई, मुझे पुराना वाला मीटर काफ़ी अच्छा लगा। बाकी ये वाला कुछ नया इंटरफेस है भाई, ये देख सकते हो, सबसे पहले ऊपर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दिख जाती है, फ्यूल माइलेज सब कुछ देखने को मिलती है, टाइम देखने को मिलता है, गियर पोजीशन इंडिकेटर देखने को मिलता है, ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, और ये बड़ा सा भाई किलोमीटर हावर का मीटर, साइड स्टैंड का भी दिखा रहा है कि साइड स्टैंड लगा हुआ है। और ऊपर जो यहाँ पे देखेंगे तो ये RPM का इधर लाइट जलता है। अभी आप लोगों को एक बार इसका इंजन साउंड रेव करके सुना देते हैं कि इंजन साउंड कैसा है इसका। बाकी एक बारी चारों तरफ से एक छोटा सा वॉक अराउंड देख सकते हो भाई, चारों तरफ से आप लोगों को एक बार दिखा दे रहा हूँ कि बाइक का ओवरऑल लुक निकल के आता क्या है। ये है कुछ बाइक का ओवरऑल लुक, अभी आप लोगों को सिनेमैटिक भी स्टार्टिंग में देखने को मिल जाएंगे। ज़्यादा कुछ रिव्यू देने की ज़रूरत है नहीं भाई, क्योंकि आप लोगों ने भी देखा होगा। अब देखो भाई ये इसकी DRL जो जल रही है ना भाई, कितनी खतरनाक लग रही है जली हुई DRL, अलग ही एक लुक आ रहा है भाई। ये चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी इस टाइम NS में, जो ये DRL दिया भाई इसने ना सबको पीछे कर दिया। तो अभी फटाफट से देर नहीं करते हैं भाई, इसको स्टार्ट करते हैं और छोटा सा राइड रिव्यू भी देंगे, ज़्यादा नहीं बट छोटा सा एक राइड रिव्यू देंगे, बिकॉज भाई अपने पास GoPro तो है नहीं, तो हेलमेट से काम चलाएंगे भाई, देख सकते हो जुगाड़ करके काम चला रहे हैं अपन। अभी फटाफट से एक बार स्टार्ट करके आप लोगों को इंजन साउंड इसका सुना देता हूँ। ये हमारा सेल्फ, पहले भाई मीटर देखो, रेव करते हैं तो वो कावासाकी वाला सीन है भाई, वो देखो भक्ति है भाई। ये देखो अभी देखते हैं भाई इसका इंजन साउंड, ये कुछ इंजन साउंड भाई इसका निकल के आ रहा है इसका। तो अभी फटाफट से भाई देर नहीं करते हैं और चलते हैं भाई, छोटा सा राइड लेते हैं इसका, राइड रिव्यू करते हैं, चलाने में कैसी है भाई। वैसे मैं चला चुका हूँ भाई और आप लोगों को बताऊँ भाई, 200 cc के सेगमेंट में ना भाई, इससे बेस्ट कोई बेस्ट नहीं है भाई। जो ये भक्ति है ना यार, कसम से अभी मैंने इसको, मतलब कंपनी ने तो वैसे अभी मना किया है ज़्यादा इसको उठाना नहीं है, बट फिर भी मैंने अभी ये देखा कि फर्स्ट गियर में भाई 37-40 के आसपास जा रही है। तो अभी चलते हैं फटाफट से भाई, राइड रिव्यू लेते हैं इसका। थोड़ा बहुत बटन में भी चेंजेस है, जैसे कि यहाँ पे नया भाई मोड का बटन ऐड किया गया है, पहले यहाँ पे भाई नॉर्मल कोई बटन नहीं था, अब यहाँ पे भाई लाइट का बटन यहाँ पे दे दिया गया है। और देखा जाए तो भाई यहाँ पे ये मैंने मोड के और स्विच का बटन है भाई सेटिंग का, यहाँ पे अपने को छोटा सा भाई एक चार्जर ऑफर कर दिया कंपनी ने, जो कि काफ़ी टाइम से मिस था भाई, चार्जर इसमें सेट किया है।
कंपनी का फिटेड जाए तो भाई बढ़िया ही होगा। अभी फटाफट से चलते हैं भाई, अपने आयरन मैन को उठाते हैं और करते हैं भाई इस बीस्ट की राइड ब्लैक पैंथर की। वैसे ब्लैक पैंथर के ऊपर आयरन मैन जमेगा नहीं, आयरन मैन अपनी आयरन मैन पे ही जमता है। कोई बात नहीं, अपने को रिव्यू करना है भाई। भाई तुम्हारा भाई आ गया है मोटो ब्लॉक सेटअप पे और अभी आयरन मैन आ चुका है भाई सर के अंदर अपने, सॉरी सर के बाहर। भाई कभी कभी गलती हो जाती है छोटी छोटी, एंगल का भाई पता नहीं इतना अच्छा आ रहा होगा तो नहीं, बिल्कुल भाई आप लोगों को दिखाया ही मैंने। अभी हम लोग गरीबी में चल रहे हैं, अंकित अपने साथ है नहीं तो अपने को अकेले मैनेज करना पड़ रहा है। आप लोग थोड़ा बहुत मैनेज कर लेना भाई, अभी चलते हैं फटाफट से। ये देखो भाई वीली ले रही है, उठाते ही वीली लेने लग जा रही है भाई। ये तो भाई स्पेशली ना मुझे जो कुछ इसमें मतलब बेस्ट लगा वो लगा भाई इसका इंजन साउंड। इंजन जो है ना भाई 200 NS का भाई बनाया ही इसी रहता परफॉर्मेंस के लिए इंजन को। अभी तो स्लो स्लो चलते हैं भाई, पहले यहाँ से निकलते हैं थोड़ा सा बाहर को, उसके बाद थोड़ा सा भाई फील करेंगे, देखेंगे क्या निकल के आता है भाई पावर और परफॉर्मेंस। BS7 मॉडल है भाई, BS6 का तो पहले पावर घटा दिया था, BS7 का पता नहीं भाई क्या ही किया होगा। क्या बात है भाई, रॉकेट की तरह जा रही है, बिल्कुल रॉकेट जिसे कहते हैं ना। फर्स्ट गियर भाई हल्की रेस पे लगभग 6,000-7,000 RPM से 37, तो भाई मतलब फुल RPM पर बहुत ज़बरदस्त जाएगी भाई ये। अभी आप लोग कमेंट करना भाई एक्सप्रेस वे पे इसको भी उतारा जाए कि नहीं, वैसे मौका मिलेगा तो इसको भी एक्सप्रेस वे पे अपन उतार ही देंगे कभी ना कभी। अभी फिलहाल छोटा मोटा रोड पे ही राइड रिव्यू ले लेते हैं भाई। थर्ड गियर पे आ गई है गाड़ी भाई, देख सकते हो स्मूथनेस गाड़ी की भाई बहुत अच्छी है भाई। कंपनी ने बहुत रिफाइंड इंजन इस बार भी बनाया भाई, BS7 को और ज़्यादा रिफाइंड कर दिया, तो जिससे इसकी फ्यूल इकोनॉमी पर काफ़ी असर पड़ने वाला है और परफॉर्मेंस भी भाई फटाफट से भाई रोड पे उतर जाते हैं, बिकॉज भाई यहाँ थोड़ा भगाना सेफली नहीं है, थोड़ा सा हमें रोड पर उतरना होगा। फिल्हाल आ गए हैं और भाई गलती मेरी है, मैं रॉन्ग साइड हूँ भाई, थोड़ा बहुत भाई यहाँ पे रॉन्ग साइड जाना पड़ता है, बिकॉज भाई अगर न्यूटन लेने जाऊँगा तो बहुत पीछे से न्यूटन लेना पड़ेगा। मैं तो चला के देख चुका हूँ कैसी है परफॉर्मेंस। भाई अंदर पास में कहीं अगर रेस किया ना तो वाकई सुपर बाइक वाली फील दे रही है भाई ये। यहाँ पे भाई हेडलाइट एंगल का भाई थोड़ा मुझे डाउट हो रहा है, एंगल सही से आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा। एंड भाई काफ़ी लोगों के मेरे पास कमेंट आ रहे थे भाई न्यूट्रल नहीं होती लोगों की, भाई न्यूट्रल क्यों नहीं होती भाई आइडिया नहीं है, लेकिन अपनी वाली तो आराम से होती है भाई न्यूट्रल। देख सकते हो गियर में आ गई न्यूट्रल हो गई, बड़े आराम से होती है भाई न्यूट्रल। अंकल जी अंदर कार में से देख रहे हैं कि दिक्कत कर क्या रहे हो, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। अंकल जी ने दूसरे भाई को भी बता दिया, वो भी हमें देख रहा है, यूट्यूबर है भाई बनता है। फाइनली भाई ग्रीन हो गई, अभी थोड़ा सा भाई चल के देखेंगे, चला के देखेंगे। 200 NS पहली बार, सेकंड गियर पे 55-56, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी की है, मतलब छूटे ही डिस्क लग रही है यार, बड़े आराम से मुझे डिस्क की दबानी पड़ रही है, बिकॉज भाई ज़्यादा मार दूँ तो कहीं पलटी ना जाऊँ, लेकिन वो भी उसकी भी दिक्कत नहीं है भाई, अब कंपनी ने ABS दे दिया। देखते हैं भाई चला के 50-55 आज हमने ना ले, आज छोटी आज वो तो है। यार ये चीज़ ना मुझे भाई सबसे बेकार लगती है, जब गाड़ी चलाने का मन होता है ना यार जाम खतरनाक वाला। अभी ये जाम कहाँ तक का लगा है आप लोगों को राइट रिव्यू दे पाऊँगा कि नहीं दे पाऊँगा कुछ आइडिया नहीं है भाई। मेरे पेट्रोल शुक्ला जी ने भाई फुल करवा रखी है टंकी, ये चीज़ अच्छी लगी भाई मेरे को। आज तक जहाँ भी रिव्यू हमने बनाया है लोगों का लेकर के बाइक, उनकी बाइक में भाई फ्यूल अप करवाना पड़ा है, लेकिन यहाँ शुक्ला जी ने टंकी फुल करवा रखी है पहले से ही, तो ये अपना है। तो भाई काफ़ी आगे बन सकती आज ना देखी टंकी भी आ गई, आज बैटल हो जाए, बोलो हो जाए, पब्लिक बोलो हो जाए। फ्यूल है भाई, पावर है गाड़ी में, एंटी वाले भाई साथ में चल रहे हैं अपने। एंटी 15 को तो खैर धूल चटा सकती है भाई बड़े आराम से। एक रेडर भी आ गई, रेडर की तो कोई औकात ही नहीं है, लेकिन भाई परफॉर्मेंस की अगर बात करें ना तो भाई बजाज में कोई कमी नहीं छोड़ी NS के अंदर परफॉर्मेंस को लेकर के। भाई जो इंजन बनाया है ना यार बहुत खतरनाक इंजन बनाया है 200 cc में। इससे पहले मेरे पास 180 थी, इतना खतरनाक वाला पावर नहीं था भाई, पावर था बट इंस्टेंट वाला पावर नहीं था, वो टॉप एंड ले लेती थी ज़्यादा, बट इसका इंस्टेंट बहुत खतरनाक है यार। केदारनाथ इसको लेके गए होते ना तो एक ही दिन में लगा देते, अपनी वाली से तो फिर भी 2 दिन लग गए।
पहाड़ों पे बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। ये देखो गाइस नई गाड़ी का यार टाइम ख़राब हो रहा है, 4:57 PM जबकि असल में हो रहा है भाई 3:39। बंद हो रही है भाई, मेरे से भी बताओ राइडर से गाड़ी बंद हो रही है यार। सेम शर्म की बात है, नई गाड़ी है, आज बताने में थोड़ा टाइम लगता है भाई। वो भाई अभी तक वहाँ पे जाम हो रहा था, यहाँ पे भी जाम हो गया भाई। आज तो आप लोग रॉकेट है भाई, रॉकेट भाई, रॉकेट है यार, वाकई रॉकेट है, बैड रॉकेट, बैड गन, बैड बॉय, डेफिनेटली मेन। की बात करूँ तो NS2 जो स्टेबिलिटी है ना भाई, एक नंबर भाई, आप छोड़ दो बंदा आराम से चला सकता है अगर क्रूज कंट्रोल हो। भाई 70-80 तो ऐसे क्रॉस कर जाती है पता ही नहीं चलता, दो से 3 सेकंड में 100 का रिकॉर्ड है भाई NS का, 6 सेकंड में 0-100। उम्मीद करता हूँ सबको भाई पसंद आया होगा अपनी पुलिस का जलवा, जब पसंद आया हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को करना ना सब्सक्राइब भूलना मत, चैनल को सब्सक्राइब करना। और भाई आप लोग देखते हो यार सब्सक्राइब नहीं करते हो तो पहले ही अंकित ने भाई मज़ा नहीं रह गया लाइफ में वीडियो बनाने का, आप लोग ऊपर से सपोर्ट नहीं करते हो तो भाई देखते हो तो लाइक भी करना यार, सब्सक्राइब भी करना यार, भाई को थोड़ा आगे नहीं दिया यार, बहुत मज़ा नहीं आ रहा यार क्लास की राइडिंग करते हुए, अभी अपने को पता चल रही है। पर ये तो क्या हो गया, हमें तो मम्मी के मगर मत हैं भाई, अभी तक तो फिलहाल R15 घंटी चलाने का मौका मिला नहीं, लेकिन भाई फाइनल चलाने का मुझे 2-3 बार मौका मिला है। मेरे हिसाब से भाई मिडिल क्लास फैमिली के लिए, एक लो बजट बंदे के लिए NS से बेटर और कुछ हो ही नहीं सकता फिलहाल भाई। से अपनी जगह पर वापस, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से ऑफलाइन, अभी के लिए तो भाई फिलहाल इतना ही, और वीडियो को भाई लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, कमेंट करना गाइस ज़्यादा से ज़्यादा, आप लोगों को राइड रिव्यू दिखाता है इसका और अच्छे से यमुना एक्सप्रेस वे पे, और हो सकता है ड्रैग रेस भी आप लोगों को दिखा दें, सब कुछ डिपेंड करता है आप लोगों के कमेंट्स पे। जितने ज़्यादा कमेंट्स करोगे भाई, जितने बढ़िया बढ़िया कमेंट्स करोगे उतने ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी और वीडियो बनाने में मज़ा आएगा। तो अभी के लिए भाई पहुँच चुके हैं ऑफिस के बाहर, लग गई पार्किंग में, ओवरऑल लुक भाई एक बारी देख सकते हो खड़ी हुई। वैसे तो अभी यहाँ पे जगह भी ऐसी है, वहाँ खड़ी है अपनी NS 125, दोनों का भाई बता देना दोनों में से कौन सी 20 लगती है भाई। देखो 125 CC होके भी भाई ये 20 लगती है, वो 200 CC होके भी 20 है। चलो भाई मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक, धन्यवाद।